तो गाइस जैसा अपन चाहते थे गैप अप मार्केट ओपन हो वैसा ही हुआ है, मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ से अपन मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, देखो उसका एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है मैं आपको तब बताऊँगा, मेरी एनालिसिस क्या है वो बाद में बताऊँगा, फिलहाल अपन यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। तो गाइस स्टॉप लॉस जो अपना यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 20 पॉइंट का रखेंगे, 20 पॉइंट का भी नहीं रहेगा अपना स्टॉप लॉस, अपनी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है कि ठीक है, जो स्ट्रेटजी है ना उसकी एक वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा मैं, लेकिन वो तब जब इस वीडियो पे 200 लाइक आ जाएगी। ठीक है, तो अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर अपन डे का लो रखेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस अपना ज़रा सा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पर अपन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन गो, जिसने ट्रेड नहीं लिए वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर ऐसा आएगा कि जो ये बैंक एक्सचेंज इसके अंदर आज एक्सपायरी है, मूव तो मुझे लगता है इसके अंदर बहुत बड़ा होने वाला, लेकिन ये जो मूव है ये भी देखा जाए तो 201 पॉइंट का मूव हैगा। ठीक है गाइस, तो स्टॉप लॉस को अपना थोड़ा और छोटा कर देते क्योंकि अपनी ट्रेड जो है अभी प्रॉफिट में आने लगी है, तो अपन इसको होल्ड करेंगे। देखो इसकी एनालिसिस की वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगा, लेकिन तब जब वीडियो पे 200 लाइक हो जाएंगे, तो फटाफट कर दो यार। इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन सी स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ, सबके बारे में बताऊँगा, एक लंबी वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन तब जब इस वीडियो पे 200 लाइक हो जाएंगे। तो गाइज ठीक है, होल्ड करेंगे ट्रेड को अपन, जैसे जैसे अपना प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा अपने स्टॉप लॉस को अपन ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, वैसे मेरी स्ट्रेटजी मुझे बता रही है यहाँ पर कि ये जो फॉल है ना, यहाँ पे कम से कम बड़ा फॉल हो सकता है, 500-600 पॉइंट का फॉल भी हो सकता है, लेकिन अपन इसके अंदर ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट की वो नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जिस हिसाब से मार्केट ऊपर गया है ना, उस हिसाब से नीचे आ रहा है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है तो प्रीमियम जो है ना वो तेज़ी से बढ़ेगा, यहाँ पर पुट के जो प्रीमियम है ना वो तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो गाइस ठीक है, होल्ड करना ट्रेड को, ऐसा नहीं कि आधी ट्रेड में आप एग्जिट कर दो, होल्ड करो। देखो ये थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा, थोड़ा सा सपोर्ट जोन है ये, लेकिन इसको भी ब्रेक करके नीचे आएगा मार्केट, बस ये बात इतनी सी कि इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो जो अब जो कैंडल्स बनने वाली ना वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा ना तो बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई नज़र आएगी। ये जो जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है मार्केट, ये लेवल जैसे ही निकालेगा ना बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई नज़र आएगी आपको। ठीक है गाइस, यहाँ पर अपने प्रॉफिट को अपन ट्रेल कर देंगे। ओके ओके, थोड़ा और ठीक है, होल्ड करेंगे। देखो ट्रेड को होल्ड करोगे तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है ना गाइस। तो मेरी स्ट्रेटजी मुझे बता रही है कि मार्केट और नीचे आ सकता है यहाँ से भी, लेकिन ठीक है, मॉर्निंग की मूवमेंट अगर ये भी मिल जाएगी ना तो इसके अंदर भी अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि बैंकेक्स की एक्सपायरी और 200 पॉइंट मतलब प्रीमियम के अंदर ये समझ के चलो कि 100-150 पॉइंट बढ़ना। ठीक है होल्ड करना, एग्जिट नहीं करना है अभी, होल्ड करना है। ये टारगेट तक आ सकता है, नीचे तक भी आ सकता है, ये जहाँ का जो लो है ना ये इस लो के पास में भी आ सकता है मार्केट। ओके ऑल राइट, यहाँ पर अपने प्रॉफिट को अपन बुक कर लेंगे, जो जो सेफ ट्रेडर्स हैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। ठीक है, ये देखो मैंने बोला था ना गाइस कि यहाँ पर डे के लो तक भी आ सकता है ये, अभी तो फिलहाल लाइव में समझा रहा हूँ मैं, लेकिन किसी दिन इसकी वीडियो बना के भी डालूंगा मैं, ये मेरी स्ट्रेटजी की, लेकिन जब जब यहाँ पर 200 लाइक हो जाएगा इस वीडियो पे तब मैं वीडियो बना के डालना स्टार्ट कर दूंगा, अभी फिलहाल लाइव हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर बड़ी गिरावट हो सकती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी गिरावट हुई, अपना जो टारगेट था वो कितना छोटा आएगा। अगर मेरी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो आप तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट 200 लाइक कर दो, 200 लाइक का एम है, अगर 200 लाइक जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो बना के डालूंगा। थैंक यू गाइस।